एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2015 क्वेश्चन पेपर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे 1 से लेके 64 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और इसके प्रीवियस वीडियो में हम 2016 के जो 125 क्वेश्चन थे उसको भी डिस्कस किए हैं। अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सबसे पहले हम आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जब सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम उसके वन बाय वन करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। अभी हमारा एक चैप्टर चल रहा है यस ब्लॉक एलिमेंट, जो आपके जीआईसी लेक्चरर और यस ब्लॉक एलिमेंट दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अभी ये लेक्चर चैनल पर चल रहा है, एक लेक्चर यस ब्लॉक का हुआ है, आज आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी मिल सकता है। तो 65 क्वेश्चन है इसमें, इसमें से कौन सांद्रित सेल है यानी कंसंट्रेशन सेल आपको कौन सा है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा सेल का होगा, कंसंट्रेशन होगा। 66 है जैसे सॉल्ट का, आपको एक क्या फार्मूला होता है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे चार फार्मूला दिए हैं, जो आपका जैसे सॉल्ट का फार्मूला है वो क्या है, फर्स्ट है। 67 है आपका एक सेल ए बी दिया है, बी दिया है, सी डी, उसमें से ई नॉट की वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। 68 में है अधिकतम दृढ़ता वाला अणु है यानी कि किसकी जो भी डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, एच एफ का होगा। 69 Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो आप निकालेंगे तो 8/3 आएगा। नेक्स्ट है आपका P, नाइट्रोइनालिन का रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिलक्षित होता है यानी पैरा नाइट्रोइनालिन का जो रंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है क्रोमोफोर तथा ऑक्सोक्रोम दोनों पर। 71 में है निम्न अभिक्रिया में किसकी संयोजकता बदल रही है यानी आप सब जितनी भी रिएक्शंस दी हुई हैं सब में आप देखेंगे कि जो भी बैलेंसी हो कहाँ पे चेंज हो रही है, तो सेकेंड ऑप्शन में बैलेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 72 है आपका जब शुद्ध CCl4 में AgNO3 ब्लियन मिलाया जाता है तो इसमें क्या बनता है, कोई अवक्षेप बनता है कि नहीं बनता है, कि हल्का एलो बनता है, कि कर्ड के जैसे बनता है, कैसा बनता है, तो इसमें कोई भी अवक्षेप नहीं मिलता। आप लैब में जब भी CCl4 और AgNO3 को मिक्स करेंगे उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। 73 है निम्नलिखित में से कौन से निर्जलीकरण में भाग लेते हैं, एक सांद्र H2SO4 है, POCl3 है, P2O5 है, इस सभी यानी सारे के सारे आपके क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, सारे के सारे आपके क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। 74 है चतुक्षार की अम्ल का उदाहरण है यानी कि किसकी बेसिसिटी जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर्स ड्रा करना होगा। स्ट्रक्चर आप आर्थोफास्फोरिक अम्ल का डराइव करेंगे लिखेंगे, आर्थोफास्फोरस अम्ल का लिखेंगे, मेटाफास्फोरिक अम्ल का लिखेंगे, पायरोफास्फोरिक अम्ल का लिखेंगे। चारों का सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ड्रा होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि किसके नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, उसी के आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कितना होगी। 75 है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का मानकीकरण सोडियम कार्बोनेट के साथ किया जाता है तब किस सूचक का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं वो इंडिकेटर कौन सा है, इंडिकेटर फिनाप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, डब्लू फेनिल एनाथ्रिक अम्ल है, तो इसमें जो भी इंडिकेटर लिया जाता है इंडिकेटर का नाम है मिथाइल ऑरेंज। 76 है कौन सा है जो एसिड और बेस दोनों के रूप में बिहेवियर करता है, इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में से ये चारों आपके एसिड के रूप में भी बिहेव करते हैं और बेस के रूप में भी बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आपका 77 है, 77 है NaOH की अधिक मात्रा डालने पर निम्न में कौन अलग होगा, में क्या अलग हो जाएगा, तो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें, चारों में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 78 है आधुनिकता चिन्ह अवधारणा के अनुसार ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दर्शाने वाला व्यंजक है यानी कि कौन सा इसमें है जो ऊष्मागतिकी की थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट रूल को ड्राइव कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट है। 79 है ठोस KMnO4 तथा HCl की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद होता है, KMnO4 तथा HCl की जब आप रिएक्शंस कराएंगे तो उससे क्या बनेगा, हरी पीली गैस बनेगी, एक लाल ध्रुव बनेगा, एक भूरी गैस बनेगी, MnO2 बनेगा, तो हरी पीली गैस बनेगी। 80 है आपका ओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बंद की लंबाई का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है, तो सब में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है उसके बाद उसको अरेंज करना है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगा, 3 रहेगा। 81 है कौन सी एल्कीन ओजोनीकरण के पश्चात एसीटोन देती है, सारा एल्कीन दिया है, इसमें आपको क्या करना है, ओजोनोलिसिस कराना है, ओजोनोलिसिस के बाद आप क्या करेंगे उसमें देखेंगे कि किस में ओजोनोलिसिस